जीएसटी लीगल्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जीएसटी लीगल्स में हम आज डिस्कस करने वाले हैं तेलंगाना हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो इसी महीने 3 अगस्त को आया है। ये केस है डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का। जीएसटी लीगल्स में हम जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट रूलिंग्स या जजमेंट्स को डिस्कस करते हैं और उन पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं जो डिस्प्यूट या विवाद का कारण बने, और समझने की कोशिश करते हैं उन डिस्प्यूट्स पर, उन पॉइंट्स पर जुडिशियल अथॉरिटीज का क्या नजरिया है, उनकी क्या राय है। तो शुरू करते हैं डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में दिया गया तेलंगाना हाईकोर्ट का जजमेंट। डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म है जो डील करती है फेरस वेस्ट और स्क्रैप में, यानी कि लोहे के वेस्ट और स्क्रैप में। इनके एक सप्लायर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जिस सप्लायर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके इनवॉइसेस के अगेंस्ट डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ITC अवेल किया हुआ था। डिपार्टमेंट ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात निकल के आई है कि जो सप्लायर है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो एक फिक्टिशियस फर्म है, यानी कि बोगस फर्म है, और ये फेक यानी फर्जी इनवॉइसेस इशू करती है। डिपार्टमेंट ने कहा ये जो फिक्टिशियस फर्म है जो फेक इनवॉइसेस इशू करके ITC पास करती है, इनके इनवॉइसेस के अगेंस्ट तो डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी ITC क्लेम किया है। इसीलिए डिपार्टमेंट ने कहा कि ये जो सारा ITC है जो उन्होंने फिक्टिशियस फर्म के इनवॉइसेस के अगेंस्ट क्लेम किया है वो फ्रॉडुलेंटली अवेल किया हुआ ITC है, फर्जी ITC है। इस ITC के अगेंस्ट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुए हैं, इसमें कोई मटेरियल सप्लाई नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट ने ये रिक्वेस्ट रखी कि ये वाला ITC जो लगभग 1.5 करोड़ रुपये है उसको वो तुरंत वापस कर दें। कुछ दिनों बाद डिपार्टमेंट ने एक और इंटीमेशन भेजा और अब उन्होंने SSC को, डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को 1,17,00,000 रुपए जमा करने की एडवाइस दी और कहा कि अगर आप ये पैसा जमा नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 में उनको शो कॉज नोटिस इशू कर देगा। डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने डिमांड रखे जाने पर पहले 10,00,000 और फिर 25,00,000 रुपए जमा किए, पर उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो डिपार्टमेंट ने डिमांड रखी है वो जायज़ नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि जो प्रोसीजर सेक्शन 74 में प्रिस्क्राइब किया गया है वो डिपार्टमेंट ने फॉलो ही नहीं किया। यही बात लेकर डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंचे। तो जानते हैं सेक्शन 74 में वो कौन सा प्रोसीजर दिया गया है जो SSC के अनुसार फॉलो नहीं हुआ। सेक्शन 74 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एरेनसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गफुली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड बाय रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। सेक्शन 74 बात करता है उस टैक्स की जो आपने जमा नहीं किया या फिर कम जमा किया है, या टैक्स का गलत रिफंड लिया है, या फिर गलत ITC क्लेम किया है बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, और ऐसा आपने किया है जानबूझकर फ्रॉड से, धोखे से, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, जानबूझकर गलत तथ्यों को सामने रखकर या फिर तथ्यों को छुपाकर। तो ये सेक्शन तब लागू होता है जब आपने गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान पहुंचाया है, टैक्स की चोरी की है, टैक्स ना जमा कर टैक्स कम जमा कर या टैक्स का गलत रिफंड लेके या फिर गलत ITC का इस्तेमाल करके, और ऐसा आपने किया है जानबूझकर। और इस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपको एक शो कॉज नोटिस देगा और पूछेगा कि कारण बताइए कि क्यों आपसे डिफॉल्ट टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ ना वसूला जाए।
इस केस में सेक्शन 74 में पेनल्टी डिफॉल्ट टैक्स के बराबर होती है। तो सेक्शन 74 में जो प्रोसीजर दिया गया है वो ये है कि प्रॉपर ऑफिसर आप पर डिमांड रेज करने से पहले आपको एक शो कॉज नोटिस देगा, जिसमें आपसे पूछेगा कि आपसे डिफॉल्ट टैक्स, उस पर इंटरेस्ट और टैक्स के बराबर की पेनल्टी क्यों नहीं वसूली जाए। उससे पहले, इस शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले, प्रॉपर ऑफिसर आप पर डिमांड नहीं रेज कर सकता। यही डिपार्टमेंट से चूक हो गई। कोर्ट ने यहां डिपार्टमेंट की दो बड़ी गलती बताई। पहली ये कि सेक्शन 74 के अनुसार डिपार्टमेंट को पहले शो कॉज नोटिस देना चाहिए था, उससे पहले वो डिमांड नहीं रेज कर सकते। शो कॉज नोटिस देने के बाद ही एसएससी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और उसी के बाद डिपार्टमेंट डिमांड फाइनलाइज कर उसको रेज कर सकता है। कोर्ट ने यहां एक दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। डिपार्टमेंट ने अपने हलफनामे में ये बात भी स्वीकारी थी कि सप्लायर जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हुई। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स पूरी ना हो जाएं, तब तक आप किसी पर डिमांड नहीं रेज कर सकते और ना ही किसी से ITC रिवर्स करने को कह सकते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन अलाउ की और कहा कि डिपार्टमेंट एसएससी को सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 का नोटिस इशू करे बिना कोई पेमेंट करने पर मजबूर नहीं करेगा। कोर्ट ने एसएससी द्वारा जमा कराए गए 35 लाख रुपए को भी डिपार्टमेंट से 7% इंटरेस्ट के साथ 4 हफ्ते में रिफंड करने को कहा और साथ ही में कोर्ट ने डिपार्टमेंट को कहा कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स पूरी करें और फिर बाकी की कार्यवाही एक्ट के अनुसार पूरी करें। तो इस केस में हमने दो बड़ी बातें समझी। पहली कि डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स पूरी करे बिना डिमांड नहीं रेज कर सकता और दूसरी डिमांड रेज करने से पहले डिपार्टमेंट को सेक्शन 74 के तहत शो कॉज नोटिस देना जरूरी है। तो ये था आज का डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के रिस्पेक्ट में तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट। किसी और इम्पॉर्टेंट जजमेंट के साथ दोबारा लौटेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए टैक्स पिरामिड चैनल और वेबसाइट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।